कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने थे और मुझे अपना काम करने थे। इसके परिवार का नाश करना है मुझे और उसको साथ में बाद में लेके जाना है, ये काम करने थे। ना तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है, ना ही मेरा तेरा कुछ से लेना देना है तेरे से कोई। मुझे जाने दे, तू अलग मैं अलग, ठीक। मेरे भगत अलग तेरे भगत अलग, मुझे छोड़ दे, अब मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाली, ठीक है। मुझे कहां पे रखेगा? अभी बोल रही छोड़ दे, वचन में मुझे मत बांध, मत बांध मुझे वचनों में, वचनों में मुझे मत बांध। ऐसे वचन तो बहुत भक्तों ने लिए है मुझसे, मैं वहां से फिर भी आ गई। अपना काम करना है मुझे, मेरी भक्तनी मुझे बोलती है हर रोज कि अपना काम तूने अब तक क्यों नहीं किया। देख ये काम और रह गया, इसको करने दे। ले जाने दे मुझे, फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा। तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, फिर छोड़ दे मुझे वचनों में मत बांध, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दे। इसको कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हो जा रही हूँ। मैं तुझे बहुत
रोक दिया जाता है खून का, और रोज खून मिलता है मुझे। मुझे वचन लिए है मेरे भगत ने और भगतनी ने, वो लेके आई है मुझे वचन, वचन मैं लेके आई है अपने जुबान से लेके आई है, और जो मैं बोलती है मैं करती हूँ। अब आप ही बता मेरी इसमें क्या गलती है। मैं वचन बंधू, भाग चाहिए मुझे, जो भाग देता है मैं उसका काम करती हूँ। 22 साल हो गए मुझे, लेकिन मैं इसको नहीं मार पा रही हूँ। क्या करो, यह बहुत वक्त नहीं बनती है, प्रार्थना करती है ये, कभी बोले को बुलाती है, कभी कभी गुड़गा वाले को बुलाती है, अरे बच जाती है हर बार। नहीं तो तब तो खत्म कर दिया होता मैंने। बसती है हर बार, बसती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अगर आपके पास कोई समाधान हो तो बता दो। मैं मजबूर हूँ, मैं वचन तो मुझे मजबूर करके बुला जाता है, मजबूर हूँ मैं। हर रोज जाती है वो भगतनी मेरी, शमशान जाती है मुझे बुलाकर, बोलती है चल चल घर से।